दिया है वो मैं समझ सकती हूँ, और मेरे साथ में जो बैठे थे वो हमारी यही बात हुई कि मैं अपनी पूरी बात करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से मैं इमोशनल हो गई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाई, और मैं फिर से आपके बीच आई हूँ। मैं आप सभी के सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और वास्तविकता क्या है। साथियों, 28 जुलाई की घटना है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उज्जैन आए थे चुनाव अभियान समिति की बैठक लेने, और उसके बाद एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई थी। जो मेरे साथी मेरे साथ फिर से जुड़े हैं, मैं बता देना चाहूँगी कि 20 सालों से मैं कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं NSUI की जिला अध्यक्ष रही हूँ, उसके बाद महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, और लगातार 10 सालों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हूँ, और साथ ही मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनलिस्ट भी हूँ। साथियों, मुझसे कई सारे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि शायद मैं किसी और की कुर्सी पर बैठ गई। ये भी आरोप लग रहा है कि मैं बगैर बुलाए वहाँ चली गई। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये निर्देश होते हैं कि जब कभी हमारे स्थानीय जिले या गृह नगर में कोई भी वरिष्ठ नेता आता है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मौजूद रहना है और वहाँ की पूरी रिपोर्ट हमें पार्टी को देनी है। मैं इसी उद्देश्य के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी। साथियों, मैं बहुत ही संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। जीवन मेरा संघर्षों से भरा रहा है। ये जो सम्मान आज आप मुझे दे रहे हैं, जो प्यार मुझे दे रहे हैं, इसे हासिल करने में मुझे पूरे 20 साल लगे हैं, क्योंकि मैं किसी भी बड़े नेता के घर से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, ना ही मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। एक मजदूर की बेटी हूँ, और जिस तरीके से आज मुझे मेरा, जिसे आप अपमान मानते हैं, जो अपमान मेरा हुआ है उसे आप आहत हुए हैं। अगर मेरे पिता, मेरे अब्बा मौजूद होते तो वो भी बहुत ज़्यादा आहत होते, क्योंकि मैं अपने माता पिता का गौरव हूँ, मैं जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और जो मेरे समर्थक हैं, मेरे साथी हैं, और वो जनता जिसके हक की मैं लड़ाई लड़ती हूँ, इस देश की महिलाओं का भी मैं गौरव हूँ और अल्पसंख्यक समुदाय का भी मैं मान सम्मान हूँ। तो जो बात मुझे पार्टी फोरम पर रखनी थी मैंने पार्टी फोरम पर रखी है। आदरणीय राहुल गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है, आदरणीय कमलनाथ जी को पत्र लिखा है, आदरणीय दीपक बावरिया जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, मैंने उन्हें भी पत्र लिखा है। उसके बाद भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुलकर कोई भी प्रतिक्रिया दूँ, लेकिन जिस तरीके से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच रही है, जिस तरीके से आपके सवाल मुझे मिल रहे हैं, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपके बीच में आकर अपनी बात रखूं। तो साथियों, प्रवक्ता होने की हैसियत से जब मैं उस पार्टी में गई, क्योंकि मैं किसी भी तरह के ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं रखती हूँ, मध्य प्रदेश में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष